हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैंडिड ट्रीट। आई एम बैक विद अनदर केक ट्यूटोरियल। तो आज की ये केक वैलेंटाइन डे स्पेशल है, देखने से तो आपको लग ही रहा होगा, लेकिन आप इसे कभी भी बना सकते हैं। और आप देख सकते हो कि इसकी लेयर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो आज हमने बनाया है वनीला और स्ट्रॉबेरी केक, और इसे हमने डेकोरेट किया है कुछ विप क्रीम से। तो इस केक की लेयर्स में सबसे पहले वनीला स्पॉन्ज केक है, और उसके बाद स्ट्रॉबेरी जेली की लेयर है, और फिर क्रीम है। और ट्रस्ट में ये केक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है बनाने में, और ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी तो आप इसे पूरा देखना। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही इजीली आप इसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम वनीला केक बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ मैंने 3 अंडा लिया है। और अब इसके वाइट को और योक को बहुत ही केयरफुली आप सेपरेट कर ले। और अगर आप इसे बिना अंडे के बनाना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें मैंने बिना अंडे वाली केक की रेसिपी भी दे रखी है। तो इसी तरीके से आप सारे अंडे को अलग कर लें, और अब एग वाइट्स को अलग रख लें। और एग योक में हमें डालना है पाउडर शुगर, तो आप यहाँ 3 से 4 टेबलस्पून पाउडर शुगर डालें, और 1/2 टीस्पून के करीब नमक, और 4 से 5 ड्रॉप वनीला एसेंस के। और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद इसमें हमें डालना है 2 से 3 टेबलस्पून के करीब रिफाइंड ऑयल, और अब इसमें डालें 40 से 50 ml के करीब दूध, और दूध यहाँ ठंडा होना चाहिए। और अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। और अब इसमें डालें 7 से 8 टेबलस्पून के करीब मैदा, तो मैदा को आप पहले छान लें और उसके बाद डालें। और अगर ग्राम्स में बात करें तो 50-53 ग्राम्स के करीब मैदा होगा, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। और यहाँ ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा इसे व्हिप नहीं करना है, बस हल्के हाथों से सबको मिक्स कर दें। और यहाँ जो ये बैटर है बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, तो मैंने जो थोड़ा सा दूध बचा के रखा था इसे भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसे भी अच्छे से इसमें मिला दें। और अब इस केक बैटर को साइड रख दें, और एग वाइट्स वाला बोल लें, और इसमें डालें 1 टीस्पून के करीब लेमन जूस, और अब एग वाइट्स को अच्छे से व्हिप कर लें। और जब ये थोड़ा सा व्हिप हो जाए उसके बाद इसमें डालें 2 टेबलस्पून के करीब शुगर, और इसे फिर से व्हिप करें। तो इसी तरीके से हमने टोटल इसमें 4 से 5 टेबलस्पून शुगर यूज़ किया। तो आप इसमें 2-2 टेबलस्पून करके शुगर डालें और इसे अच्छे से व्हिप करें। तो इसमें आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे, और जब ये अपना शेप होल्ड करने लगे इसका मतलब है कि ये रेडी है। तो हमारा एग वाइट अच्छे से व्हिप हो चुका है, आप इसके सॉफ्ट पीक्स देख सकते हैं। तो हमें इसे इतना ही व्हिप करना था। और अब योक वाला केक बैटर लें, और इस एग वाइट्स को हमें इसमें अच्छे से व्हिप करना है। तो पहले थोड़ा सा डालें इसमें और इसे अच्छे से व्हिप करें। अच्छे से मिलाने के बाद इसे डाल दें व्हिप्ड एग वाइट्स में, और अब इसे फिर से बहुत ही हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर दें। और इसे हमें बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना है। तो इस बार मैं इस वनीला शिफॉन केक को अवन में बेक करूंगी, लेकिन आप इसी सेम रेसिपी को बिना अवन के भी बेक कर सकते हैं। और उसके लिए आप मेरी चॉकलेट केक वाली रेसिपी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ हमारा केक बैटर हो गया है रेडी, इसे डाल दें केक टिन में। तो यहाँ मैंने इसे ग्रीस कर लिया है थोड़े से बेकिंग पेपर के साथ और थोड़ा सा ऑयल के साथ। और ध्यान रखें कि हमें केक टिन को पूरा फिल नहीं करना, आप इसे 2 केक टिन में डाल के बनाएं। तो बचे हुए बैटर को आप दूसरे केक टिन में डाल लें सेम इसी तरीके से। और अब इसे बेक करने के लिए एक कोई भी बड़ा सा ट्रे लें, और उसके ऊपर एक और ट्रे डाल दें, और उसमें केक टिन डाल दें, और नीचे वाले ट्रे में हमें थोड़ा सा पानी डालना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला, आप इसे ओवन में डालने के बाद इसमें पानी को फिल करें, जिससे कि ये गिरेगा नहीं। और अब इसे बेक करने के लिए पहले आप ओवन को प्री हीट कर लें 10 मिनट के लिए 180 डिग्रीज पर, और उसके बाद 170 डिग्रीज पर इसे 40 से 50 मिनट के लिए बेक करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि केक बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। आप इसे निकालने से पहले टूथपिक डाल के चेक कर लें, अगर वो क्लीन निकले इसका मतलब है कि ये रेडी है।
तो मुझे इसे बेक करने में 50 मिनट लगे और अब इसे हमें रख देना है ठंडा होने के लिए, जब तक ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये कितना ज़्यादा मॉइस्ट है और कितना ज़्यादा स्पंजी है, और इसीलिए भी मुझे ये केक सबसे ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम सिफोन केक ही बनाती हूँ। तो जब केक अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद हमें बनाना है स्ट्रॉबेरी जेली। तो इसे हमें पहले से बना के नहीं रखना, जब केक ठंडा हो जाए उसके बाद ही आप इसे बनाएं। तो यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट यूज़ किया है, और अगर आप कॉम्पोट यूज़ नहीं करना चाहें तो आप स्ट्रॉबेरी प्यूरी भी ले सकते हैं। और अब इस कॉम्पोट का भी हमें प्यूरी बना लेना है, जिसके लिए एक जार ले और उसमें 10 से 11 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट डालें और उसे अच्छे से हमें ग्राइंड कर लेना है। अगर कॉम्पोट नहीं यूज़ कर रहे तो आप प्लेन स्ट्रॉबेरी डाल दें काट के और उसे प्यूरी कर लें। तो यहाँ हमने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और अब हमें स्ट्रॉबेरी जेली बनानी है, जिसके लिए एक पैन ले और उसमें डाल दें स्ट्रॉबेरी प्यूरी और उसी में 10 से 20 ml के करीब पानी डाल करके उसे अच्छे से धो के डाल दें इसमें। और अब पानी को और प्यूरी को अच्छे से मिक्स कर दें। और अगर यहाँ आप स्ट्रॉबेरी प्यूरी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 3 से 4 टेबलस्पून चीनी भी डालें। तो यहाँ कॉम्पोट में चीनी पहले से ही था इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। और अब इसमें डालना है आगर आगर पाउडर, जिसके लिए यहाँ मैं मरून ब्रांड की आगर आगर यूज़ कर रही हूँ। तो आप इस मरून ब्रांड की आगर आगर को अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट कहीं से भी बाय कर सकते हैं, ये छोटे पैक्स में भी अवेलेबल है। और यहाँ हमें इसमें डालना है 1.5 टीस्पून के करीब आगर आगर पाउडर। तो अगर आप जेली बनाने के लिए जेलेटिन का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले आप इसे अच्छे से मिक्स कर दें, और उसके बाद इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कुक करना होगा। तो यहाँ फ्लेम को आप मीडियम रखें और इसे कुक करते वक्त लगातार चलाते रहें, और 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आप फ्लेम को ऑफ कर दें। और अब इसे केक में यूज़ करने से पहले हमें हल्का सा ठंडा करना होगा, इसलिए आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहें। तो जब तक जेली ठंडा हो रहा है हमें केक में इसकी लेयर बनाने के लिए केक को फिल कर लेना होगा। तो आप सबसे पहले केक को 2 या 3 पार्ट में काट लें। तो केक को इक्वली काटने के लिए आप धागे का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से और इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। केक की लेयर काटने के बाद सबसे पहले हमें व्हिप्ड क्रीम से इसे फिल करना होगा। तो इसे फिल करने के लिए आप व्हिप्ड क्रीम यूज़ कर सकते हैं या फिर बटर क्रीम यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें जेली डालने के लिए सबसे पहले इसके एजेस को हमें सील कर देना है व्हिप्ड क्रीम से, इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप सारे लेयर्स को तैयार कर लें। यहाँ मैंने 3 लेयर्स का यूज़ किया है। तो जब तक हमने इन सभी को फिल किया हमारा जेली अच्छे से ठंडा हो चुका है, लेकिन अभी ये सेट नहीं हुआ है। तो 3 से 4 टेबलस्पून जेली इसमें डाल दें, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके एजेस सील होने के कारण ये जेली बीच में ही रहेगी और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से सारे केक के लेयर्स में आप जेली को डाल दें और इसे सेट होने के लिए रख दें। इसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, और आप देख सकते हैं कि अच्छे से सेट हो चुकी है। और बाकी जो भी जेली बचे आप उसे किसी भी प्लेट में सेट होने के लिए रख दें। और अब इस पे हमें केक के लेयर्स को स्टैक कर देना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इस केक को 3 या 4 लेयर का बनाएं, आप इसे 2 लेयर का भी बना सकते हैं। सारी लेयर्स डालने के बाद इसे अच्छे से सेट कर दें, जिससे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। और उसके बाद इसे हमें थोड़ी सी क्रीम से क्रम कोट कर देना है। तो केक को क्रम कोट करने से फ़ायदा ये होता है कि जब आप इस पे दूसरी लेयर डालेंगे क्रीम की, तो वो बहुत ही अच्छे से और स्मूथ फिनिश आएगा उसमें। इस केक को डेकोरेट करने के लिए मैंने पिंक कलर का यूज़ किया, और इसे मैंने ओम्बोर इफ़ेक्ट दिया है, जिसे हम कहते हैं लाइट से डार्क टोन की तरफ जाना। तो सबसे पहले मैंने प्लेन व्हिप्ड क्रीम की 2 लेयर डाली, और उसके बाद बहुत ही हल्का सा पिंक, इतना हल्का कि वो पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद इस वाले पिंक से थोड़ा सा डार्क, और फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा डार्क, और इसी तरीके से हमें सारी लेयर्स को क्रिएट करना है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसे इसी तरीके से डेकोरेट करें, आप जैसे भी करना चाहें आप इसे उस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप सिंपल एक कलर ही डालना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, आप इस तरीके से भी इसे कर सकते हैं या फिर जैसे भी आपको मन हो, कोई और कलर डालने का मन हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। और अब इसे हमें बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर लेना है।
तो यहाँ हमने कलर इफेक्ट यूज़ किया है, इसीलिए इसे हम ऊपर नीचे करके स्मूथ नहीं कर सकते, इसे हमें राउंड राउंड करके ही स्मूथ करना होगा। यस आई नो कि मैं अभी उतनी ज़्यादा प्रोफेशनली इसे नहीं करती, मेरा भी थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है, बट आई विल ट्राई कि मैं इन फ्यूचर इससे भी थोड़ा अच्छा कर सकूं। और अब इसे डेकोरेट कर दे थोड़े फ्लावर्स से। तो यहाँ मैंने रोज़ बनाया है, और अगर आप इस रोज़ को बनाना चाहते हैं तो आप मेरी फ्लोरल केक वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि आप कैसे बहुत ही ईजिली इस रोज़ को बना सकते हैं। तो आप इसे बटर क्रीम के साथ भी बना सकते हैं या फिर आप इसे विप्ड क्रीम के साथ भी बना सकते हैं सेम टेक्निक से। और अगर आप इसे रोज़ के साथ डेकोरेट नहीं करना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो जेली बच गया था उसे मैंने इसमें सेट किया था, तो इसे आप थोड़े से हार्ट शेप कट कर सकते हैं अगर आपके पास ये कुकी कटर है तो, और आप इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, और आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप नहीं बनाना चाहें तो। आप इसी तरीके से बहुत सारे हार्ट शेप कट कर लें और इसे केक की साइड्स में और उसके ऊपर लगा दें। So this is my beautiful pink floral valentine cake, and you can make this delicious and beautiful cake to make your valentine day more special. So I think ki aapko ye recipe easy lagi ho to aap ise zarur try karna, ye bahut hi zyada tasty bana tha. So thanks for watching.